हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है ये रिवर्स इन इंडिया की सीरीज का सेकेंड पार्ट होगा। मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा था कि हम गंगा रिवर सिस्टम सेपरेट वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसके लिए एक सेपरेट वीडियो कर रहे हैं। इसी की तरह हम यमुना और ब्रह्मपुत्र का भी सेपरेट वीडियो करेंगे, ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या होती है। तो बेसिकली छह इसमें आपको हेड स्ट्रीम्स और पांच कॉन्फ्लुएंस देखने के लिए मिल जाएंगे। अलकनंदा रिवर की अगर मैं बात करूंगी तो धौली गंगा रिवर, ये दोनों मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। मैंने इसका अलग से एक स्लाइड भी लगाए हुए, वो भी हम देखेंगे। और नंदाकिनी रिवर जो है वो नंद प्रयाग में मिलती है, और पिंडार रिवर जो है वो गंगा टू फॉर्म द गंगा मेन स्ट्रीम फॉर्म करती है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है भागीरथी। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि स्टार्टिंग में जब इस सोर्स से जहां से जनरेट होती है वहां पर इसको भागीरथी नाम दिया जाता है, और गंगोत्री ग्लेशियर से गौमुख नाम की जगह है वहां से ये निकलती है, और उसके बाद ये बहुत बड़ा एक डेल्टा, गंगा का डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए देवप्रयाग में जब ये रिवर आती है तब इसका नाम गंगा है। तो पहले हम इसको बोल रहे थे, किस नाम से जान रहे थे, भागीरथी, और उसके बाद फिर देवप्रयाग के बाद हम इसे गंगा नाम से जान रहे थे। ठीक है ना, गंगा दिबोचे करके यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर एक ओपन एरिया होता है। दिबोचेस इमर्जेंट फ्रॉम द कन्फाइंड स्पेस इनटू अ वाइड ओपन एरिया, बहुत बड़ी जगह में, वाइड एरिया में जब ये इमर्ज होती है, आकर गिरती है, उसको बोला जाता है जब हिल से प्लेन एरियाज में आकर गिरती है। और यहाँ पर ये यमुना को ज्वाइन करती है इलाहाबाद में। ठीक है, यहाँ पर आपको राजमहल हिल्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे साउथ ईस्ट में इसके। फिर आपको पता है फरक्का डैम अगर आपको देखने को मिला होगा तो ये भागीरथी और हुगली वेस्ट बंगाल में साथ में मिलती हैं यहाँ पर, और पद्मा और मेघना बांग्लादेश में मिलती हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते जाएंगे। और यही जो इसमें लिखा हुआ है कि गंगा फरक्का के बाद ही यहाँ पर बंगाल में जाती है, बांग्लादेश में जाती है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र के बारे में भी बताया हुआ है, और इसको हम जमुना के नाम से भी जानते हैं। ये पद्मा और मेघना को यहाँ पर ज्वाइन करती है, मैं आपको पूरा मैप के थ्रू यहाँ पर दिखाऊंगी। फिर यहाँ पर अगर पूछ लें कि मेन मेन टाउन्स कौन कौन से आते हैं, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में कि गंगा के जो प्रवाह होता है उसमें कौन कौन से टाउन्स यहाँ पर आते हैं, तो आपको नाम याद रखना है, हरिद्वार पड़ता है, कानपुर पड़ता है, सोरोन पड़ता है, कन्नौज पड़ता है, अलाहाबाद, वाराणसी, पटना, गाजीपुर, भागलपुर, मिर्जापुर, बलिया, बक्सर, सैदपुर एंड चुनार। इट हैज लॉन्ग बीन कंसिडर्ड होली बाय हिंदूज, आपको पता है हिंदू इसकी वर्शिप करते हैं, और यहाँ पर गॉडेस गंगा हम बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा रिवर सिस्टम है जो मैं आपको बता रही थी, और देखते जाएंगे यहाँ पर भी वो सारे शहर दिए हुए हैं, हरिद्वार, तेजवाला है ना, गाजियाबाद दिया हुआ है, कहाँ कहाँ से आपको नदी कन्नौज दिख रही है, ये देखिए गंगा रिवर आपको दिख रही है होगी यहाँ पर, है ना। यहाँ पर इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। देखिए यमुना यहाँ पर आकर इसे मिल जाती है, और ये ऊपर से जब आ रही हैं तो भागी रहती हैं, फिर गंगा कहला रही हैं, और उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर पद्मा और मेघना ये रिवर्स आ रही हैं, ब्रह्मपुत्र जो है उससे आपको दो धाराएं दिख रही होंगी ना। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वेस्ट बंगाल के बाद आगे का पोर्शन है, बांग्लादेश का पोर्शन है ये जो दिख रहा है। बांग्लादेश में ही जब ब्रह्मपुत्र गिर रही है तो देखिए नाम चेंज हो गए, यहाँ पर पद्मा एक नाम हो गया, एक मेघना रिवर हो गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरह से आपको इसका संगम देखने के लिए मिल जाता है, और दैट इज अ माउथ ऑफ गंगा। ठीक है ना, इसको हम डिटेल में और पढ़ते जा रहे हैं। अब मैं आपको बोल रही थी फाइव प्रयाग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की संभावना इससे बहुत ज्यादा है। सबसे पहले आपको याद कर लेना है देव प्रयाग कहाँ पर मिलेगा, भागीरथी रिवर और अलकनंदा के कॉन्फ्लुएंस पे। फिर आता है एक रुद्र प्रयाग, ये मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर के कॉन्फ्लुएंस में। फिर नंद प्रयाग, अभी मैंने बताया था आपको, नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा के कॉन्फ्लुएंस पे। फिर कर्ण प्रयाग, आपको पिंडार रिवर और अलकनंदा के कॉन्फ्लुएंस पे। और फिर विष्णु प्रयाग, धौली गंगा रिवर एंड अलकनंदा रिवर के कॉन्फ्लुएंस को बोलते हैं। ये बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर एक गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो देखिए
बे ऑफ बंगाल में एंटर होने के पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलती हैं, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड क्रिएट करती हैं। कहां पर क्रिएट करती हैं? हुगली। हुगली कहा जाता है भागीरथी को। गंगा का नाम आप याद रखिएगा, हमारे इंडिया में ही इसे गंगा कह रहे हैं। उसके पहले जब ये आना चालू होती है तब भी इनको हम इसके सोर्स से इनको भागीरथी कह रहे हैं, और उसके बाद जब ये बांग्लादेश में जा रही है ना, तो हुगली में जहां पर ये मिल रही है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद भी इनको हम भागीरथी ही कह रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद पद्मा और मेघना नदी ये कहला जाती है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक डेल्टा बहुत बड़ा, मैंने अभी आपको बताया, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ वर्ल्ड बनाती है, और इसी तरह से इसका रिवर्स सिस्टम यहाँ पर फ्लो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अलकनंदा की बात कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी हेड स्ट्रीम है गंगा की, हमने कॉन्फ्लुएंस यही पढ़े हैं, और ये कॉन्फ्लुएंस फीट ऑफ सतोपंत है एंड भागीरथ ग्लेशियर उत्तराखंड में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये भागीरथी नदी से मीट कहाँ करती है? देवप्रयाग में करती है। इसके बाद ही इसको हम क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर कौन कौन सी है? मंदाकिनी, नंदाकिनी एंड पिंडारा। अभी अभी मैंने आपको इनके कौन कौन से प्रयाग्स कहलाते हैं बताए हैं, उनको आप लोग जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे। आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा सिस्टम जो है, इसमें देखिए और अलग अलग ड्रेन्स पार्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, किस किस डिस्ट्रिक्ट में होता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक लेक सतोपंत करके है, उसका ओरिजिन अभी होता है, ट्रायंगुलर लेक है ये, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली हिंदू ट्रिनिटी जो है, लॉर्ड ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको शो करता है। देख लीजिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ये गंगा रिवर आपको दिख रही होगी, है ना, ये गंगा नगर रिवर है। ये देखिए ये आ रही है अलकनंदा, यहाँ से, है ना। हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये इनका जो कॉन्फ्लुएंस होता है वो कैसे होता है। कल मैंने आपको तेहरी गढ़वाल के बारे में भी पढ़ाया था, मैंने आपको, देखिए रुद्रप्रयाग है यहाँ पर, कैसे कॉन्फ्लुएंस हो रहा है इनका, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये देखिए हरिद्वार है, देहरादून, सारी चीजें आपको मैप में सारी क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। इसके साथ जो भी रिवर्स आती हैं आप वो भी पढ़ते चलें, ताकि अच्छा होगा आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं भागीरथी की। वन ऑफ द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा विच मीट एट अलकनंदा, द अलकनंदा एट देवप्रयाग टू फॉर्म गंगा, इट राइजेस एट द फुट ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर एट गोमुख, यहां से स्टार्ट होती हैं, तभी हम इनको भागीरथी कहते हैं। याद रखना है आपको ये चीजें, मैंने आपको एक बार और बताया है कि थ्रू आउट द पाथ हम इसे गंगा नहीं कहते, पहले भागीरथी कहलाती है, फिर कुछ समय के लिए गंगा कहलाती है, फिर ये भागीरथी कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर हिमालय का कौन कौन सी चीजें आती हैं? आप गंगोत्री, उत्तरकाशी, तहरी, ये इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स आपको इस रिवर के किनारे देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखिए अगर हमें बात करूं तो ये आपने बद्रीनाथ देखा है, केदारनाथ देखा है, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। बद्रीनाथ से ये देखिए अलकनंदा आपको देखने के लिए मिल रही है, यहाँ से एक धौली गंगा भी विष्णु प्रयाग में आकर मिल रही है, फिर देखिए ये अलकनंदा के साथ यहाँ से हमारी नंदाकिनी रिवर आ रही मिल रही है, इसको नंद प्रयाग कह रहे हैं, फिर यहाँ से देखिए पिंडार गंगा आ रही है, इसको हम कर्ण प्रयाग कह रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर मंदाकिनी रिवर आके मिल रही है इनसे, तो हम इसको रुद्र प्रयाग कह रहे हैं, उसके बाद भागीरथी आकर मिल रही है तो हम इसे देव प्रयाग कह रहे हैं, और यहाँ से यमुना अलग फ्लो हो रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धौली गंगा की, जो हमने अभी देखा है कि आ रही है यहाँ पर, तो ये कहाँ से निकलती हैं? वसुधरा ताल से निकलती हैं और लार्जेस्ट ग्लेशियर लेक उत्तराखंड में बनाती हैं। धौली गंगा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा की, और मैंने अभी आपको बताया नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी और भागीरथी, ये कहीं ना कहीं इसमें जाकर मिलती हैं, ठीक है। धौली गंगा ज्वाइन करती है ऋषि गंगा को, रिवर को, एट रैनी करके एक जगह है वहां पर, और अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको भी बताया था कि मंदाकिनी रिवर जब अलकनंदा से मिलती है तब हम इसको क्या कहते हैं? देव प्रयाग कहते हैं, ठीक है। ये बार बार आप लोग पढ़ते चलिए तो आप लोगों को बार बार प्रिपेयर होता चलेगा। आप पूछ लें कि धौली गंगा पर कोई प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है क्या, तो यहां पर तपोवन विष्णु गद, ये देखिए तपोवन विष्णुगद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, किस पे? धौली गंगा पर चलाया गया है, ठीक है। फिर आता है हमारा ऋषि गंगा रिवर, ये भी आपको नंदा देवी माउंटेन से आती हुई दिख जाएगी, दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर बनाती है, और ये यहाँ पर आपको एक नंदा देवी नेशनल पार्क भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। फिर देख लीजिए ये देखिए जो ये है, मैंने अभी आपको बताया ऋषि गंगा है ना, किस तरह से आकर मिलती है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर की, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज आपको नाम याद रखने हैं, रामगंगा, गर्रा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोशी महानंदा। और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में यमुना, तमसा जिसको हम टॉन्स भी कहते हैं, करमानसा, सोन, ये सारी आपको देखने के लिए मिलेंगी। देखिए मैंने यहाँ पर एक मैप भी लगा दिया हुआ है, इनके नाम आप लोग एज इट इज लर्न कर लीजिए। गंगा के जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो गंगा फ्लो यहाँ से होना चालू हो रही है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग रिवर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए शारदा दिख रही है आपको, घाघरा दिख रही है, गोमती दिख रही है, गंडक दिख रही है, सप्तकोशी दिख रही है, ये सारी रिवर्स हैं। उसके बाद यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आपको दामोदर दिखेगी, आपको सोन दिखेगी, आपको रिहान दिखेगी, केन दिखेगी, बेतवा दिखेगी, सिंध दिखेगी, चंबल दिखेगी, यमुना। बेसिकली यमुना की बोल सकते हैं चंबल रिवर की सहायक नदियां हैं, काली सिंध मिलेगी आपको, ठीक है ना, पार्वती मिलेगी। तो ये सारी रिवर्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, और कौन इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, कौन राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिया था। इसको अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए आप लोग, और रिवर्स सिस्टम में आपको ये मैप बिल्कुल याद होना चाहिए, कहाँ मिलता है, कैसा है। इस पर थोड़ा सा अगर हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो वो क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में कुछ चीजें समझ में आई होंगी। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए, लोगों को के साथ शेयर करिए, ताकि ये वीडियो हर एक व्यक्ति तक पहुंचाए जो यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहा है। थैंक यू सो मच।